Hello friends, welcome back to my channel, Megha's Tidy File. तो आज का रेसिपी है जलेबी, वो भी इंस्टेंट वाली। तो इसके लिए पहले हमें एक शुगर सिरप यानी कि चाशनी बनानी है। इसके लिए मैंने एक कप चीनी लिया है और एक कप से थोड़ा कम पानी। इसको हमें उबाल आने के लिए रख देना है। हमें कोई स्ट्रिंग विंग की तारवार की कंसिस्टेंसी की ज़रूरत नहीं है, बस ये शुगर सिरप अच्छे से बॉईल हो जानी चाहिए और जब इसमें उबाल आ जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा केसर का कलर डाल देंगे, फूड कलर। तो अब हमारी चाशनी बनके रेडी है। हम जलेबी के बैटर बनाना शुरू कर देंगे। तो बैटर बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। हमें एक फाइन बैटर प्रिपेयर करना है, बिना लंप्स वाले। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों से इसको 10 मिनट तक फेंट लेंगे, तभी हमारे जलेबियाँ एकदम नरम से लाइट बन जाते हैं। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, 10 मिनट तक इसको फेंट लेंगे अच्छे से हाथ से। तो हमारी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। बैटर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर दूध का पैकेट का इस्तेमाल किया है जलेबी बनाने के लिए। तो इसमें बैटर को अच्छे से भर लेंगे और कॉर्नर को कट करेंगे। तो जलेबियाँ डालते वक्त ये ध्यान में रहनी चाहिए कि तेल बिल्कुल मध्यम आंच पे रहनी चाहिए। आप इनके शेप्स पर मत जाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। मुझे अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इनको क्रिस्पी हो जाने तक मीडियम आंच पे ही डीप फ्राई करेंगे और तेल का क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, लगभग आधा इंच तक। अगर तेल का क्वांटिटी ज़्यादा रहा तो ये अंदर जाते जाते शेप आउट हो जाते हैं। तो ये लगभग बन चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और तुरंत ही इनको शुगर सिरप में डालना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और शुगर सिरप भी हमारा गर्म रहनी चाहिए। 3-4 मिनट के बाद
ये अच्छे से शुगर सिरप में ड्रेंच होके रेडी हो जाएंगे। तो हमारे क्रिस्पी और जूसी जलेबी बनके रेडी है। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, और मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।